नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लम्बर एक्सपर्ट राव साहब में। तो दोस्तों, एक बाथरूम में लीकेज हो रखी थी, दीवार के बाहर बहुत तेज़ी से पानी निकल रहा था। तो आज हम आए और यहाँ पर हमने ये देखा कि पानी जो है वो टाइलों के अंदर से बहुत तेज़ी से निकल रहा था। तो हमने ये तोड़ते तोड़ते हम यहाँ तक पहुँचे इस चीज के पास। आप देख सकते हैं ये पाइप को हमने यहाँ से काट दिया है। यहाँ से इस पाइप को हम ये निकाल रहे हैं क्योंकि ये जो टी के ज्वाइंट है यहाँ से सॉल्वेंट पता नहीं इसमें कम लगा रखी थी या बिना सॉल्वेंट के पाइप डाल रखा था या सॉल्वेंट ऊपर से लगा रखी थी, क्या था पता नहीं। लेकिन क्या है, आप देख लें कि ये जो पाइप जो है ना दोस्तों, ये बिल्कुल आर पार घूम रहा है, हिल रहा है। यहाँ से बहुत तेज़ी से प्रेशर से पानी निकल रहा था, इसलिए हमें इसे निकालने के लिए हमने इस पाइप को यहाँ से काट दिया। अब यह सॉल्वेंट ने जोड़ छोड़ दिया है या फिर बिना सॉल्वेंट का पाइप डाल के और ऊपर से सॉल्वेंट घुमाया प्लम्बर ने, पता नहीं क्या किया है। तो बड़ी मुश्किल से ये लीकेज हमें मिली है। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इस पाइप को वापस से हम इसको जोड़ेंगे और जोड़ हम किस तरह से लगाएंगे वो आप लोग देखें। बिना यूनियन के जोड़ेंगे इसको और बिना यूनियन के किस तरह से ये सेट होगा उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जो सॉकेट आप देख रहे हैं, सॉकेट के अंदर थोड़ा सा एक खांचा होता है, खांचा। इस खांचे को रेगमार से घिसेंगे, इसको बिल्कुल प्लेन कर देंगे, उसके बाद दिखाते हैं इसको किस तरह से जोड़ेंगे बिना यूनियन के। बिना यूनियन के जोड़ेंगे इसको फिक्स पाइप को, लेकिन काटना पड़ा वो मजबूरी था क्योंकि उसमें सॉल्वेंट नहीं था, इसलिए इसको हम रेगमार से घिसेंगे। रेगमार हमारे पास है, अंदर का जो खांचा है ये मिट ना जाएगा जब तक हम इसको घिसते रहेंगे, चाहे 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, इसको बिल्कुल प्लेन कर देंगे। सॉकेट के अंदर आप देख सकते हैं जो खांचा है ना, खांचा वो बिल्कुल हमने प्लेन कर दिया है, जो पाइप है वो पूरा आर पार निकल सकता है। ये पहले वाला टुकड़ा देख लेते क्या इंच का है, ये 4.25 का, लेकिन 4 इंच का लगेगा, इसमें कम चला हो रखा है, इसलिए 4 इंच का टुकड़ा काट लेते हैं। इसको सुखा ले अंदर से, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
अगर इस तरह से पाइप जोड़ेंगे तो टोटा प्लास होना बहुत जरूरी है पॉपर पाना। सॉल्वेंट को दोनों पाइप की तरफ लगाएं और इसमें भी पूरा लगाएं। देखने वाली चीज है, ध्यान से देखना, नजदीक से देखना। तो पोपट पाना से सॉकेट को पकड़ के इस पाइप के अंदर पूरा चढ़ा लें और उस पाइप पे भी सॉल्वेंट लगी लगा के और इस तरफ इतना चढ़ा दें जितना सॉकेट चढ़ती है, यानी हाफ हाफ क्वार्टर क्वार्टर दोनों तरफ सॉकेट जितना चढ़ता है उतना चढ़ा दें और सॉल्वेंट इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा और लगा दें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाए।